टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में फेम और चकाचौंध जितना हमें देखने को मिलता है उतनी ही काली दुनिया इसके अंदर छुपी है। अब हाल ही में टेलीविजन एक्टर रतन राजपूत ने एक बार फिर से शॉकिंग खुलासे किए हैं। इस बार उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री को अपना निशाना बनाया है। जी हाँ, वो क्या है वो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जीबीटी एंटरटेनमेंट चैनल। रतन ने कहा कि अगर उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा नहीं कहा गया होता तो आज वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा होती। दरअसल रतन के मुताबिक चाहे बॉलीवुड हो या साउथ, सभी जगह एक्ट्रेस, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करते हैं। एक्ट्रेस ने उस शख्स के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया जिसने उन्हें साउथ की फिल्म में रोल ऑफर किया था। उन्होंने बताया कि जब वो टीवी शो अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो कर रही थी तब उन्हें साउथ से कई कॉल्स आई थी। ये कॉल कई बड़े डायरेक्टर्स के भी होते थे। वो भी रतन से थोड़ा वेट पुट ऑन करने की बात करते थे। इतना ही नहीं, रतन इस डिमांड को पूरा करने के लिए भी तैयार थी, पर फिर उनसे कॉम्प्रोमाइज करने की मांग भी कही जा रही थी। जी हाँ, रतन ने कहा कि एक शख्स ने मुझे साउथ की फिल्म ऑफर की, फिर वो बोला कि आपको यहाँ का रिवाज तो पता है ना। जब मैंने उनसे पूछा कि कैसा रिवाज, तो उसने कहा कि आपको पता है ना कि इंडस्ट्री में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लीड एक्टर और शायद डीओपी भी आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह सकते हैं, आपको यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। इसके बाद एक्ट्रेस ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। रतन ने बताया कि आज तक मुझे साउथ से कोई ऐसा ऑफर नहीं आया जिसमें मुझे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ना कहा गया हो। लोग सिर्फ बॉलीवुड की बात करते हैं, पर ऐसा साउथ में भी होता है। रतन ने आगे कहा कि साउथ इंडस्ट्री सिर्फ एक ही वजह से अच्छी चल रही है, क्योंकि वो आज भी अपने कल्चर और रिचुअल्स की रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी मेरे लिए तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री मायने ही नहीं रखती। एक्ट्रेस ने कुछ दिन पहले ही अपने साथ हुए कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस भी शेयर किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक बार वो किसी अजीब सी जगह ऑडिशन देने गई थी। वहाँ उन्होंने एक लड़की को अजीबोगरीब हालत में पड़ा हुआ देखा था। ऑडिशन के दौरान ऑर्गेनाइजर्स भी उनसे कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लेने के लिए फोर्स कर रहे थे, लेकिन रतन को डाउट था कि उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया हो सकता है। बहरहाल, और भी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप जुड़ रहे हैं जीबीटी एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। नमस्कार।